दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है राइट्स। जैसा कि आपको चार्ट देख के लग ही रहा होगा कि क्या बेहतरीन कंपनी है। यह इसका वीकली चार्ट है और यह स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें आप देखेंगे भर भर कर वॉल्यूम भी देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों चार्ट के एनालिसिस पर वापस आएंगे, पर उससे पहले इसके फंडामेंटल वैल्यूज देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है राइट्स, 685 रुपए इसका करंट प्राइस है और इंट्राडे में 18% से ज्यादा तेजी पर यह बंद हुआ। इसका जो पी है वो 34 का है जो कि अभी भी काफी वैल्यूएबल है। इसने जो हाई लगाया है वो 694 रुपए का लगाया है और इसका जो लो लगा है वो 311 रुपए का है। कंपनी 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में लीडिंग प्लेयर भी है। अगस्त 2018 में इसका आईपीओ आया था, वहां से ये कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी और पिछले कुछ महीनों में इसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज था उसको कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है और कंपनी के पास अब एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी है। इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है। इसके अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, L&T हुआ, HFCL हुआ, इंजीनियरिंग इंडिया हुआ, टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, रिलायंस इंफ्रा हुआ, ये सारे के सारे राइट्स के पीयर ग्रुप्स हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इसका जो सितंबर 2020 में 439 करोड़ का था वो फिर सितंबर 2021 में 766 का हुआ, सितंबर 2022 में घट के 659 का हुआ और उसके बाद अब ये 582 का हो गया है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ में गिरावट हो रही है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 132 करोड़ हुआ करता था फिर वो 174 करोड़ बढ़ा, फिर वहां से नीचे गिरने लगा, 140 हुआ, 110 हुआ। यानी कि अगर सेल्स ग्रोथ गिर रही है तो फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी गिरेगी ही गिरेगी। बाकी इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 1 फरवरी 2024 को आ रहा है, यानी कि बजट वाले दिन ही आ रहा है, तो इस पर भी नजर रखा जा सकता है। अगर पिछले 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2014 में 1096 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ था, 2015 में 1013 करोड़ हुआ, फिर 1200 करोड़ हुआ, फिर 1300, फिर 1400, फिर बढ़ के 2047 करोड़ हुआ। यानी कि 2019 में काफी अच्छी ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे करके अभी इसका जो 2491 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2014 में जो 261 करोड़ का था वो 312 करोड़ हुआ, फिर 340 हुआ, 337 हुआ, 357 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी 516 करोड़ का है। यानी कि साल दर साल इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसमें ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी इसके CAGR की बात करें, पिछले 5 सालों का रिटर्न है 30% का, पिछले 3 सालों का जो इसका CAGR है वो 38% का, पिछले 1 साल का 104% का। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो जब मार्च 2014 में जहां 0 करोड़ था, मार्च 2016 में इसने 173 करोड़ का लोन लिया था, वहां से इसने धीरे धीरे अपना कर्ज कम किया और सिर्फ 5 करोड़ के कर्ज पे है। यानी कि इसमें अगर जो देखा जाए जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि यहां पे इसने कर्ज अपना चुकाया हुआ है। कंपनी जो सबसे अच्छा काम कर सकती है वो ये कि अपना जो उसके ऊपर कर्ज है उसको इसने कम किया है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है। बाकी अगर इसके टोटल असेट की बात करें तो जो मार्च 2014 में 3636 करोड़ का हुआ करता था वो अभी 5764 करोड़ का है। यानी कि असेट्स में भी इसके बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के ROCE की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, तो जहां 30% हुआ करता था वो ऊपर नीचे करके लगभग 30% का ही चल रहा है, तो एवरेज इसका 30% भी अगर है तो काफी अच्छा है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.2% है जो कि मार्च 2021 में थी और दिसंबर 2023 में भी 72.2% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ना अपना माल बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मेजोरिटी है, 72% है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी FIIs ने यहां पे अपना माल बढ़ाया है, PII यानी म्यूचुअल फंड्स ने अपना माल थोड़ा बहुत कम किया है और पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी हाई है। बाकी इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंसल्टेंसी सर्विसेज से सबसे ज्यादा इसके रेवेन्यू आता है। बाकी इसके प्रोडक्ट की बात करें तो कंसल्टेंसी सर्विसेज में सबसे ज्यादा 55% का है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स से भी इसका काफी ज्यादा हिस्सेदारी है और उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा 93.8% डोमेस्टिक है, यानी कि इंडिया में ही इसके सर्विसेज ज्यादातर है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं लोकेशन वाइज अगर बात किया जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा वो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी सर्विसेज से ही आता है। यानी कि अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी तो 38% की है लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इस हिस्से से अभी भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी वाले एरिया से ही आ रहा है। बाकी वापस से इसके चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है। जुलाई 2018 में इसका IPO आया था, वहां से ये लिस्टिंग हुई इसकी और वहां से ये अपने लाइफ टाइम हाई पर 684 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अभी 25 तारीख को मार्केट बंद होने से पहले इसने 18% से भी ज्यादा की तेजी के साथ अपर सर्किट लगाया, लगभग 18% का। इसने 25 जनवरी को अपना लाइफ टाइम हाई लगाया, 684 रुपए पे इसने क्लोजिंग दिया,
1893 का इसका हाई था। इसमें वॉल्यूम भी भर भर के देखा गया, यानी कि पिछले तीन चार दिनों से इसमें काफी ज्यादा खरीदारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अर्निंग्स जो है वो 1 फरवरी को आने वाला है, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस क्वार्टर इसका काफी अच्छा अर्निंग आएगा, इसीलिए इसमें भर भर के खरीदारी भी हो रही है। और अगर अर्निंग सस्टेनेबल नहीं हुआ तो ये वापस से नीचे गिर सकता है। बाकी इसके लेवल्स को देख लेते हैं, तो ये एरिया एक स्ट्रांग लेवल है, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है ये और भी ऊपर रह सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के बाद यहां से अगर वापस कोई बाइंग बनती है तो आप यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये वापस यहां से ब्रेकआउट देता है तो फिर ये काफी ऊपर निकल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। बाकी आपको और किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।